क्या करना है इसका? ये सही है भाई, ये वाला शेरनी में टेस्ट है ना, वो जैसे पाइन एप्पल है वो सब का ड्रेस। तो भाई ये है मेन रोड और यहाँ पर देखो कार्बी कल्चर सोसाइटी का ये द्वार है और यहाँ पर ना कार्बी फेस्टिवल चल रहा है भाई, जो अभी अंदर जाके दिखाएंगे। लेकिन ये मेन द्वार है भाई, इतना बढ़िया बना रखा है, इस पर लिख रखा कार्बी रोंग अजी अखलम कार्बी पीपल हाल और तारा लॉन्गसो दीपू कार्बी अंगलोंग। तो आगे है भाई कार पास काउंटर और पीछे ना आपको ये जो पर्चे पड़े हुए हैं वाइट वाले, वहाँ पे आपको चिपका दिए जाएंगे आपके, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो यहाँ से आपको पास मतलब दिख जाएगा यहाँ पे आप कौन सा पास करवा के आया कौन सा नहीं। तो भाई पहुँच चुके हैं गेट नंबर 1 और ये जो गेट है इसका नाम है तारा लॉन्गसो और उसके आगे आपको मिलेगा काजिर रंग हान ओंगपी। ये जो क्लॉक टावर है भाई क्या मस्त लग रहा है एकदम, तो ये नज़ारा और सामने सूरज देख भाई कितना क्लियर लग रहा है नज़ारा। और ये है वन हॉर्न रोनो राइनो एक सींग वाला गेंडा जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर हो रहा कार्बी जो यूथ फेस्टिवल है 49वां, वो अभी अंदर जाएंगे भाई। लेकिन यहाँ पर जितनी भीड़ हो रखी है ना देखो, तो भाई अभी हम एंटर हो चुके हैं इस फेस्टिवल में और सबसे पहले हमें दिखाई दिया है ये बैम्बू डांस। बाकी कर नहीं रहे, कुछ गिर रहे हैं देखो, अभी जैसे भाई ट्राई कर रहे हैं ना, वाह वो सही है। और हमारे आगे यहाँ पर ना भीड़ लगी हुई है, पहले इसको देखते भाई किस चीज़ का भीड़ है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए उधर सीढ़ियों पे। इधर आवाज़ आ रही है सिंग मिर जिंग अच्छे ताई। क्या करना है इसका? तो भाई अभी ना देखो इनका प्रोग्राम चल रहा, फिर मेरे हिसाब से उनका होगा। और ये जो बैठे हुए जितने भी यहाँ पे, ये 41 का ग्रुप है इनका, तो इनका भी नंबर आएगा तो हमने बात किया, तो अभी इनका आएगा। इनके पास भी सेम ढोलक है। तो भाई स्टेज पर अभी दूसरी टीम आएगी और यहाँ पर देखो जजेस बैठे हुए हैं जो इनको नंबर देते हैं। और जो भाई ने वो लगा रखी ना सिर के ऊपर, उसको बोलते हैं ड्रैगो टेल, यही बोलते हैं। और अभी देखो एक और आ चुका है, इसके आने से पहले ना पहले अपने माइक के ऊपर ढोल वगैरह आते थे जो बजा रहे हैं ना, जब ये बजाते हैं उसके बाद वो निकल के आते हैं उधर से पीछे से। तो भाई जब हमने उत्तराखंड की यात्रा किए थे ना, तो ये जो मैडम है इनका ग्रुप था पूरा गाड़ी में, तो ये मिले थे हमें 2 बार, एक गंगोत्री यात्रा में और एक केदारनाथ यात्रा में। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो भाई इस साइड में है खाने पीने की दुकानें और आगे भाई देखो इतनी रात में कितना भीड़ हो रखा है यहाँ पे। भाई ये जो फेस्टिवल हो रखा है इतने बड़े एरिया में, इसमें आपको ना हर तरह की दुकान मिल जाएगी, खिलौने खाने पीने बर्तन भांडे। और इधर देखो अभी ये पेड़ पौधों की दुकानें आ चुकी है नर्सरी का और गोलगप्पे। भाई इतने रात में मैं बस एक ही चीज़ से हैरान हूँ कि इतना भीड़ है इसमें। अभी तो ये लगा लो कि हम इसमें सिर्फ 10 या 15 जो होता है ना परसेंट ही इसमें घूम पाए। किताबें भी मिलेगी, देखो कितनी सारी किताबें रख रखी है यहाँ पे, बच्चों के लिए बड़ों के लिए मतलब हर टाइप का, देखो जैसे ये ABCD का है। तो भाई यहाँ पर ना ये जो सामने बने हुए है झोपड़ी, ये खाने के लिए है, मतलब इनमें खाना आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारा नॉन वेज है, पोक है और
यहाँ पर जो सर है इन्होंने हमें बताया, अभी एक बार विजिट करके आते हैं कि अंदर है क्या। पहले तो देखो ये पूरा बैम्बू पे बना रखा, नीचे सीढ़ियों से लेकर ऊपर पूरा जो प्लेन है, और ये है हॉर्नबिल में ट्रू लव का जो साइन है वो, और ये है मिथुन जो दोनों तरफ लगा रखे हैं। उसके बाद ये एक दरवाजा है जो कि ये है रंग से ये वाला, और यहाँ से इसमें पूरा एंट्री हो जाता है यार। तो यहाँ पर ना ये कह सकते हैं कि जो गुरुकुल हमारे वहाँ पे होते थे, गुरुकुल बनाते थे, एक टीचर होता था, बच्चे आते थे, तो ये एक डॉर्मेट्री बना रखा जहाँ पर जो बच्चे होते ना जो अपने बड़ों का आदर नहीं करते या कहना नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर एक टीचर रखा जाता था और उसके बाद वो बच्चों को भेजा जाता कि वो उनकी आदतें सुधर सके, और वो जैसे कोई बूढ़ा आदमी है जो वजन ले रखा उसकी हेल्प कर सके। तो भाई ये है नोरधांग धिमसा और ये है यहाँ की एंट्री। एंट्री करते ही आपको पहले दिखेगा खाराम, ये जो ढोलक इनका लंबे वाला ढोलक, ये खैलिम शेरनी, ओ भाई क्या नाम लिखे हुए हैं, खाराम उबंग लोंगखाई, ये भाई इनके नाम बड़े अजीब है यार, और नाम भी अजीब है और ये देखने में भी अजीब है। जैसे ये है ये रस्सी, ओ भाई साहब ओ हो ये गिर गया, ज्वेलरी बॉक्स है वो, ये ज्वेलरी बॉक्स है छोटा वाला, इसका छोटा वाला अच्छा वो बड़ा ज्वेलरी बॉक्स है, ये कपड़ा रखने वाला, ये कपड़े वाला, इसमें कपड़ा रखते हैं, और वो जो कोने में है वो वाला, ये छोटा वाला उसमें भी कपड़े रखते हैं। अच्छा ये इसमें ये वाला शेरनी में हम लोग खुदीमा को उसका राइस है ना, हां उसको हम ऐसे चलते। अच्छा और ये वाला, ये वाला चावल लेने के जो बांध, हाँ अच्छा ये वाला वो सब्जी या क्या बोलेगा पहाड़ में खेती करने के टाइम में, हाँ हाँ जो लेके जाती है यहाँ की औरतें ही लेके जाती ज्यादातर। और इनको क्या बोलते हैं ये साकों ने वो चावल चलने वाला। अच्छा और ये ओखली, हाँ जिसमें वो क्या कूटते हैं आप लोग इसमें, धान बीज में अब भी यूज करते हैं, मतलब पहले यूज करते हैं। और ये जो सबसे छोटी वाली है, छोटी वाली ये चाय छनने वाला, इसमें चाय छन जाता है, तो ये छलनी है भाई चाय छाननी, मतलब फैमिली के साथ में या सिर्फ लड़का लड़की, ये लड़का ये कपल के लिए है, हां कपल के लिए। ओके तो भाई ये दो है, क्या नाम था इसका, हमडिंग, हमडिंग। यहां पर बैठकर लड़का लड़की ड्रिंक वगैरह करना है, बातें करना है। और ये फंक्सला जो भाई हम तो गेट ही बोलेंगे, बाकी ये जो कि राजा थे ना तो उनका कुछ हो गया था तो उनकी याद में ऐसे बनाया जाता, हर साल ये बनाया जाता है। थैंक यू मैम, आपका नाम माला, माला आपका नाम काय, काय टिलू, थैंक यू रानी काय टिलू भाई इस फेस्टिवल में जो जुड़ीमा है यहाँ पर देखो होममेड राइस से वाइन बनी हुई है, और ये पूरा यहाँ का इस पे लिखा हुआ कैसे क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बढ़िया एकदम मस्त वाली बात है। यहाँ पर भी है और कांच की बोतल में भी है, प्लास्टिक बोतल में भी है जुड़ीमा, जुड़ीमा मतलब हाँ ये नाम वैसे लिख रखा जुड़ीमा, जुड़ीमा राइस वाइन। और मैम देखो कितनी मैम है, तो सब बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो एक बार मैं ज़्यादा वाली ट्राई करूँगा। चीज ओके तो दोनों मेरा है। तो भाई इसका जो टेस्ट है ना वो जैसे पाइनएप्पल है या मौसमी संतरे है वैसा ही सेम है एकदम। तो भाई यहाँ पर ही फोटो शूट के लिए बना रखा है, यहाँ पर तो मैं आ सकता हूँ लेकिन समझ रहे हो ना, समझ रहे हो भाई जी, इसको बजाओ एक बार, इसको ट्राई करो, फिर भी कुछ तो होगा, आवाज तो निकलेगी कैसे ना कैसे, हाँ यही है मेरा ट्रैवल विदाउट पैसा। कार भी ट्रेडिशनल जो ऑर्नामेंट्स, ओके तो जो भी है देखो भाई इन पे इनके नाम लिखे हुए हैं। तो भाई इस वाले एरिया में ना यहाँ पर अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट बना रखे, जैसे फिश मछलियों का उधर है, पानी का इधर है, और इन्वायरमेंट का इधर है, एग्रीकल्चर का इधर है, हेल्थ का उधर है, मतलब हर तरीके का बना रखा है यहाँ पे। और भीड़ देख भाई, हर डिपार्टमेंट में से भीड़ निकल के आ रही है। हेलो
तो भाई ये म्यूजियम है और यहाँ पर ना इसका टिकट मिलेगा जो कि 20 रुपये पर हेड। अभी हम लेके आ रहे हैं मैं और अजय है, तो दोनों बंदे जाएंगे अभी जाके सिर्फ इसको देखने के लिए 20 रुपये खर्च करेंगे एक बंदा। देखते हैं क्योंकि यार ये लास्ट बचा है, बाकी इसका लुक है ऊपर से नीचे तक पूरा खतरनाक बनाना। देख भाई कितना इसको तो डिज़ाइन है, कितना मस्त है। कार्बी हेरिटेज म्यूजियम जो लोग ऊपर जा रखे हैं भाई। पहले तो ये जो डिज्नी मूवी होता है ना वो, उसमें स्टार्टिंग में जो बिल्डिंग आते हैं डिज्नी का, पहले तो इसका लुक मुझे वैसा लगा। और देखिए सबसे पहले यहाँ की जो औरतें हैं उनका ड्रेस, जो पीछे है गहने वो देखो पूरा एकदम ये सेटअप है। और जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनका सेटअप, मतलब उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है गहने से लेकर कपड़े जो पहनते हैं, कंघी भी है जो पीछे वो पुराने ज़माने का एक अलग ही है। और ये पूरा इतना शानदार इसमें लाइटिंग हो रखी है। ये वाला पार्ट है कॉस्ट्यूम एंड एक्सेसरीज, यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर जो उनके माता पिता होते थे वो सबका ड्रेस और उनकी जो एक्सेसरीज होती थी पहनने के लिए पूरा इसमें दिखा रखा है। और ये वाला पार्ट है जो ये मकान बनाते हैं उनका, कैसे सेटलमेंट करते हैं, कैसे पैटर्न होता है, किस जगह भी बनाते हैं, जैसे ये ऊंचाई और थोड़ी निचाई पे आता है इस टाइप का बनता है, पेड़ पेड़ के ऊपर फिर पहाड़ के उसमें आ जाता है, फिर ये खुले वाला लकड़ी पेड़ और ऊपर दो मकान। ये वाला पार्ट है डांस फॉर्म का जिसमें डांस वगैरह होता था, जो कि हमने देखा भाई साहब ढोल बजाते थे ये, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा रखा है ऐसे ही। और इनका जो कॉस्ट्यूम है भाई एकदम किलर है यार, धोती और ऊपर वाले को बनियान या कुर्ता हाफ बाजू। तो भाई अभी हम म्यूजियम के ऊपर वाले भाग में जा रहे हैं देखने के लिए का है यहाँ पर, ये पढ़ लेना भाई, ये जरूर है इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने बता रखी भाई ये चीज़ें नहीं करने। यहाँ पर ना जो भाई है इन्होंने पहचाना यार हमें, थैंक यू भाई जी। आपका नाम? बोलोरा मिंग। बोलारा? बोलोरा मिंग। बोलोरा मिंग इन्हीं। तो भाई ने पहचान लिया, पता नहीं यार कैसे पहचान लिया, वीडियो देखा था। वीडियो देखा था आपका, सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा, थैंक यू। ट्रैवल विदाउट पैसा, अभी भाई थोड़ा नाम जा रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है, जैसे भाई लोगों ने भी पता। आपका ड्यूटी? हाँ मेरा ही ड्यूटी। उसके बाद खत्म कितने बजे होगा? मॉर्निंग नहीं चलता रहेगा, मॉर्निंग तक तो भाई अभी पहुँच चुके ऊपर। और ऊपर से यार जो नज़ारा दिखना चाहिए पेड़ की वजह से नहीं दिखाई दे रहा, बस लाइटें दिख रही है, कहाँ पे क्या है रोड दिख रहा है। और नीचे से लोग ऊपर आ रहे हैं, हम ऊपर से अब नीचे जाएंगे। और ऊपर जाएंगे, एक होता ना कि ऊपर जाने के बाद आपको व्यू पॉइंट दिखाई देता, वो नहीं दिखाई दे रहा अभी। देखो जैसे ये है, ये वाला पार्ट तो ठीक दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर लाइट दिख रही है। अभी उधर से हम आ रहे हैं पूरा घूम के, लेकिन जो पेड़ों की वजह से ना वो व्यू दिखाई नहीं दे रहा। इधर देखो पूरा एकदम अंधेरा है, और उधर भाई इतना बड़े में ये लगा हुआ है पार्किंग का है, उधर लाइटिंग हो रही जहाँ पे डांस हो रहा था। तो भाई म्यूजियम वगैरह देख के आ चुके हैं, और जो डॉक्टर साहब है भाई वो नहीं मिल रहे, पता नहीं किधर गायब हो रखे हैं। और इसका जो लुक बना रखा ना एकदम मस्त है। और नीचे जो यहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो सारे, जैसे डिज़ाइन के जो कपड़े हैं या यहाँ का जो खाना पीना जो औजार है, नाइफ वगैरह यूज करते हैं, और जो इनके डांस की जो कॉस्ट्यूम है वो इतनी मस्त है। लेकिन नीचे वाले पार्ट पर जब आप ऊपर जाओगे ना तो आपको एग्जिट अलग ही जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ पहले आप नीचे घूमो, इसमें बहुत जब वीडियो बनाओ अच्छे शूट करो, ऊपर गए तो एग्जिट आपको बाहर ही निकाल देगा। जैसे अभी हम निकला, मैं पछता रहा हूँ क्योंकि अंदर या थोड़ा और वीडियो बन जाता मेरा, तो अभी जा रहे हैं बस बाहर, क्योंकि एक बार एंट्री हो गया तो हो गया नीचे। मैं तो कहता हूँ पहले नीचे घूमो, बढ़िया तरीके से वीडियो बनाओ, फोटो क्लिक करो, उसके बाद ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट एग्जिट आप बाहर ही हो जाओ। तो भाई 7:36 हो चुके हैं, और ये देखो दरवाजे से हम बाहर जा रहे हैं, बस हमारी साइकिल उधर खड़ी हो। और भीड़ भाई, मेरे को लग रहा है कि रात को ना ज़्यादा लोग आते हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमारे जो हम रुके हुए हैं जहाँ पे उसका भी एक टाइम है, फिर खाने का टाइम है, तो फिर एडिटिंग का भी टाइम है, तो गैर टाइम हो जाएंगे यार। अभी हम जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत दूर भी जाना है। देख भाई कितना भीड़ है, और सामने एक और प्रोग्राम हो रखा है। तो भाई जब हम आए थे उस टाइम यहाँ पे बहुत कम बैठे होते, और अब देखो उधर प्रोग्राम भी हो रहा है, और ये देखो यहाँ पे कितनी लाइन लगी हुई है।